यार लिटरली ना सालों ने दिमाग लगाया है। अब ये मैग्नेटाइजेशन के अंदर फंसा क्यों था? ये चेसी है यार, चाइना के कस्टम थोड़े ना ऐसे मजाक में क्लियर हो जाएंगे। क्या भेज रहे हो? लिटरली स्कैम वाला सीन करना पड़ा। निट क्लीन, दिस इज S9J भाई। ये मॉडल को 10 साल हो गए बॉस, ओके, और वेट में फंस गए, ठीक है। RMX के अंदर 252 kgs की डिक्लेरेशन थी, मैं यहाँ लगवाऊंगा, ओके। 252 kgs की मैं आपको हैशबोर्ड दिखाता हूँ, मतलब सच्चा क्लीन स्कैम, तो बिल्कुल चिट क्लीन, ओके। अब ये जो होगा ना सीरियल नंबर, यहाँ से तो पट्ठों ने हटा ही रखा है, यहाँ से ये वाला जो है आप इसको चाहो तो इसको स्कैन करके उसमें डाल सकते हो S9J। आप चाहो ना तो अब ऐसे ना, ये बिटमैन का प्रोडक्ट होता है, ये ऐसे नहीं उतरेगा भाई। ये सालों ने सीरियल नंबर तक भी फेक हैं, इसको डालोगे ना बिटमैन की वेबसाइट पर पता लग जाएगा। चलो वो बहुत सारी चीज़ें ट्रैक नहीं होती बट। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बीजीसी माइनर्स में। तो गाइज ये पहले वाला आपने कट देख लिया होगा वीडियो को, एंड वो थोड़ा सा जैसे ही इंसिडेंट हुआ तो मैंने थोड़ा सा प्रॉम्प्टली बनाया, बट अभी हो गए हैं 48 आवर्स के राउंड, तो अब ना अच्छे से एनालाइज कर लिया, ठीक है। विजडम कॉल ले ली, देख लिया, क्योंकि देखो स्कैम भाई उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, छोटे मोटे झटके ना आने ही होते हैं, ओके। छोटे मोटे तो नहीं है, कच्चा फट गए अब भाई, चेन भी कम होती जा रही है वैसे तो गाइज देखो, नथिंग टू वरी, एंड एक इल्म हो जाता है। दो तीन चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, अब वो सारी चीज़ें ना आप लोगों को नोट करा देते हैं। और पिछली जो शॉर्ट क्लिप बना दी है वो हमने, अभी जो वैल्यू एडिशन है इसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्लस ऑन एडिशन टू इट के जो जो हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं वो बता देते हैं, ठीक है। एंड आपको पता होगा मेरे बड़े भाई साहब, ठीक है, एंड यही मैनेज करते हैं सारा कुछ। मैं थोड़ा सा प्रोग्रेसिवली नुकसान कर रहा हूँ, ना सुनो समझ नहीं आ रहा, बट नए प्रोजेक्ट्स के अंदर स्टार्टअप्स कर रहा हूँ। तो गाइज देखो, नोट्स बनाए हैं अच्छे से। क्लाइंट्स के लिए इन शॉर्ट ब्रीफिंग यही है कि भाई मार्जिन प्ले थोड़ा छोड़ो, एंड मैं बड़े भाई साहब का पर्सपेक्टिव लूँगा कि उनका क्या कहना था। भाई मेरे को फुल फ्रीडम दी जाती है फॉर माई डिसीजंस, एंड ही अलाउज मी टू फेल, कि भाई इफ यू वांट टू फेल फेल, ठीक है, दैट इज हाउ लाइफ गोस। सर नहीं सीखेंगे ऐसे तो कैसे फायदा, ठीक है। तो मैंने जो प्राइजिंग करी थी, मैंने पिछले शॉर्ट में उनका कवरिंग दे दी है कि व्हाई दैट स्पेशल प्राइजिंग वाज देयर, ठीक है। एंड वो कोई सुपर डिस्काउंटेड कंपटीशन हटाने की प्राइजिंग गाइज नहीं थी। जितने भी रीसेलर भाई हैं यार, कम्युनिटी है, उनसे लड़के कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो सलमान खान नहीं है, ठीक गाइज। तो उस कंटेक्स्ट में बहुत क्लियर रहना, हमेशा खड़े हैं आपके लिए, छोटे भाई बड़े भाई जो भी हुए हैं, वी ऑल आर ब्रदर्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट। सो प्राइजेस बस जस्ट स्पेशल, एंड मे बी मेरे को स्पेशल प्राइजिंग मैं फॉलोअप ले पाता हूँ, बट भैया का पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा था उस पर। भाई का पर्सपेक्टिव लेते हैं कि क्या कहना है उनका। भाई जैसे जो प्राइजिंग के कंटेक्स्ट में मेरे को कह रहे थे भाई, जैसे वो 95,000 का दिया नियर अबाउट, और वो भी काफ़ी कम करके दे दिया भाई। उसके अंदर एथिकल इश्यूज मेरे को उस टाइम पे नहीं लगे, एंड मैं मानता नहीं भाई उसमें कोई एथिकल इश्यूज थे भी भाई। मेरे रीज़न थे, मैं अपनी मार्केट के अंदर वापस आ रहा हूँ, मैंने सबसे पहले रिसर्च स्टार्ट करी, बहुत मेहनत करी। अब वो किसी वजह से मेरे को अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो ऐसे इवेंट्स के बाद मैं तो जस्टिफाइड हूँ कि भाई ठीक है, किया ठीक किया। 103-4 ऑर्डर्स थे मैक्स टोटल में जो प्री ऑर्डर्स में मैंने लगाए थे। हाँ 3 तारीख डाली थी, 7 तारीख तक मैक्स ऑर्डर लिए। तो भाई आपका क्या कहना है बताओ। देखिए जो हम ये बोलते हैं कि वेयर हाउसेज हैं चाइना के अंदर, हांगकॉन्ग के अंदर, ये बेसिकली एक रीसेलर ही होते हैं। उन्होंने अपना वहाँ पर एक सेटअप बना रखा होता है, वहाँ पर उन्होंने बेसिक जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो हमें एक रीसेलर के साथ जुड़ने की बजाय हमें डिफरेंट रीसेलर्स के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, जिससे हमें प्राइस और जिसके अंदर हमें सारी चीज़ें अप टू डेट रहती है। वो चैलेंजिंग प्राइस हमें लेने के लिए क्या करना पड़ता है, बेसिकली नए नए रीसेलर्स के साथ जुड़ना पड़ता है, जो कि एक रीज़न है कि इस तरह का स्कैम फेस करना पड़ जाता है भाई। जैसे बात सही है, ठीक है, कि उल्टी काम करने पड़ेंगे ना आपको कि भाई इससे भी सस्ता, इससे भी सस्ता, अरे जो ढंग तमीज से आ रहा काम कर लो, है ना। और ऐसा नहीं है, देखो मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ, भाई बड़े हैं, समझदारी की बात ही कहेंगे। अब अपना पाथवे बनाने के टाइम पे हाँ 10 जगह मैं करूँगा, 2 जगह में मैं पास होता हूँ तो मेरा लॉस कवर हो जाता है ना। बट सोच के देखो, चैलेंजिंग प्राइस के चक्कर में करे हैं मैंने उल्टे काम, राइट। तो गाइस प्राइस इसलिए कभी मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैंने एक स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइसेस दिए, प्लस भैया का कहना बहुत है तू क्या कमा रहा है, भाई मैं विजन कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है गाइस। विजन कमा रहा हूँ और एक्चुअल में परेशान हूँ। 185+ ऑर्डर्स है अपने पे, 185+ ऑर्डर्स हमारे पे रिसीव्ड हैं, 2 वीडियो बनी पड़ी हैं भैया, दोनों वीडियो डाली इसी चक्कर में कि दिक्कत आएगी भी ज़्यादा, और देख तो क्लाइंट भी लिया 5,000 के चक्कर में, भैया क्लाइंट भी तो नहीं मानता है भाई, कह भी रहेंगे सर कोई बात नहीं, बहुत दूर से यार थोड़ा जहाँ 5-7 हज़ार फालतू भी मिल रहा है ले लो भाई, जरूरी है वेंडर्स, सारे वेंडर्स का माल बिकना एक्चुअल में जरूरी है भाई, फील किया मैंने ये बात ना भाई। इसके अगेंस्ट में कोई पॉलिसीज भी बताते हैं बिजनेस के अंदर, BST में मैंने वैसे टॉप किया था तो ये पढ़ी थी मैंने कि इसको जापान की एक इकोसिस्टम पॉलिसी बोलते हैं, छोटे छोटे सेलर्स ना भाई इकोसिस्टम डेवलप कर देंगे। एंड टेक्निकली यार भगवान की दया है भाई, इतने ऑर्डर्स दिए, लोगों ने इतना वो किया हम पे और मैं तो सेटिस्फाइड हो गया, बट हंस गए तो अंत अच्छा नहीं है, ठीक है। उल्टे काम थोड़े कम करो एंड भाई ठीक है डोंट। और एक्स्ट्रा भाई मैंने शिपमेंट्स के अंदर भी बहुत दिमाग मारे, भाई ऐसे मंगवाऊँ वैसे मंगवाऊँ, अभी भी देख लो EMS वाले वैसे बिना बात के फंस रहे हैं भाई, भाई कैटेगरी C में मंगा दूँ, R में मंगा दूँ, ठीक है। ज़्यादा फंक्शन नहीं मारा करते, ठीक है, अपना सीधा सीधा माल मंगाओ, सीधा सीधा माइनर चलाओ, BTC कमाओ, दैट्स। एंड भाई जैसे वेंडर्स वाला आपको एक कवरिंग देते हैं, तो क्लाइंट्स का क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। अब वेंडर्स यार रीसेलर जितने भी हैं ना हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो ASICs बेच रहे हैं मेरे भाई मार्केट प्लेस के अंदर, ठीक है, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि जो पिछली वीडियो बना रहा था वो भी रीसेलर था, अब जो ये वीडियो बना रहा है ये भी रीसेलर है, ये अमन है, ठीक है, ये मेरे पे 24 घंटे रहता है, बट ये भी रीसेलिंग करता, ओके। तो अब अमन की ना तो भाई दुकान है, ठीक है, ना मकान है, मतलब घर का मकान है, बट जैसे हमने मकान में स्टार्ट कर दिया था अपना, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई कि तुम रीसेलर की क्राइटेरिया, और हम इतने बड़े भाई कोई व्यापारी नहीं है, हम अपनी एक कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। एंड भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर देखो उसके लिए ना एक रीजंस है टिपिकल के, देखो नो डाउट के, बट मेरी एज ग्रुप का क्राइटेरिया ना और भाई का ही सजेशन था, तो भाई मैनेज करे तो अच्छा है, ठीक है। बड़े होने के तर्ज पे मैं फिर भी ईगो क्लैशेस रख लूंगा भाई, मेरे एज ग्रुप में मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारे और होती भी ऐसी कोई बात नहीं है, क्या बच्चे यार क्या हो गया इसमें, तो बढ़िया है भाई, भैया संभालेंगे। एक वेंडर्स कह लो या रीसेलर से समझो, जितने भी रीसेलर्स हैं, अब यार ऐसा ना हो कि भाई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना कि भाई हम बनाना चाह रहे हैं, मार्केट बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी वजह से हम वो लोग कर रहे हैं। बट थोड़ा सा क्लाइंट्स के लिए भी है कि भाई हमें इतना मत फंसा देना कि भैया हम भी रीसेलर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा यार सीधा काम कर लेने दो, बहुत ज़्यादा भसड़ काम कर रखा है मैंने तो कसम से। तो जब फंसा के एंड में भाई के पास बैठा तो ठीक है यार, अपना सर दर्द हो गया। एंड हांगकॉन्ग भी बेचारे भाई को जाना पड़ रहा है, मेरे पे एक नहीं है कुछ NOC, तो अभी पीछे दुबई भी मेरे चक्कर में जाना पड़ा इन्हें, बट भाई को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आराम से चले जाएंगे। तीन बार तो है ना भाई, तो आराम से हिल मैनेज। एंड थोड़ा सा चीज़ों को स्मूथ रखो, हमारे वाला जो ग्रुप है एक कर्टसी ग्रुप है भाई, एंड उसमें कोई रूल्स नहीं भाई एज सच, तो ये जो मेजर अपने बंदे हैं आओ एंटर करो, ठीक है। और उसके अंदर भाई एक प्राइस बना दिया जाएगा जो रिटेलर प्राइस है, ठीक है, एक प्राइस जो रिटेल के अलावा जो हमारे होलसेलर कह लो या जो हमारे रीसेलर भाई हैं वो कह लो, एक प्राइस उनके लिए। और भाई वो 10 माइनर वाला, भाई 10 माइनर प्रमोशनली भाई जो भी बंदे जुड़ रहे हैं इस ग्रुप में उनको 10 माइनर एडिशनली एक डिस्काउंटेड प्राइस में वेंडर्स के लिए, सिर्फ जो रीसेलर कम्युनिटी है उसके लिए दे रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी कोई ज़्यादा दिमाग बुद्धि नहीं, बट हाँ थोड़ा ना एक खुल जाएंगी सारी कम्युनिटी ना, एक आइस ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अभी बैकएंड में भाई बात सबसे होती है मेरी भी, ठीक है ना, तो भाई सारा फॉलोअप हो पाता, प्लस थोड़ा सा ना हो जाता है। मैं भी भाई किसी से प्रॉफिट, चाहे तो मन करता है सारे को पकड़ ही लूँ, रीसेलर को भी, नहीं तो मेरा मन करता है कि भाई पूरी कॉस्ट ले ले, तो मैं भी कंफ्यूजिंग कर देता हूँ उनके लिए सिचुएशन ना। तो बेटर है भैया और ये ना सही समझ की बात करते हैं कि भाई थोड़ा कमाओ, बट कमाई मस्त होती है। 5 कमा ले, 5000 कमा ले, क्या दिक्कत है, तो उल्टे एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ मोड़ दे, बट कमाई लेनी जरूरी है, उससे ना चीज़ें सॉर्टेड रहती हैं यार, है ना। तो दिस थिंग प्लस भाई जिनके भी गुड्स अभी रीसेलर वालों के आ रहे हैं, तो भैया जा रहे हैं 5th को, इनका 8 दिन का ट्रिप है, उसके बाद इन्हें पर्सनल वर्क के लिए जाना थाईलैंड भी। तो जहाँ पर भी फंसे हुए हैं, थाईलैंड और हांगकॉन्ग 2 जगह ही है जहाँ से ये शिपमेंट्स आते हैं। शेंजन, भाई शेंजन भी जाओगे, 6 घंटे की ड्राइव, तो शेंजन भी जाएंगे। ठीक है, तो शेंजन यार 6 घंटे की राइड होती है, ड्राइव भी नहीं है। ठीक है, शेंजन भी जाएंगे, तो वहाँ पर कोई ना वैसे प्रोडक्टिवनेस नहीं होता, बट ये वाला जो हमारा भाई है डेक्सटाओ नाम है इसका चीनी का, तो कि बैन लग जाए चीनी पीनी बोलने को। तो चाइनीज काउंटर पार्टी हमारी जो है, इस भाई से बात हो गई है। अब यार इसके भी कच्चे फट गए, देखो हम भी क्या करें, है ना। 8 बक्से का नुकसान, नियर अबाउट $1 मिलियन का तो इसके छोटे से नेटवर्क में हुआ है। ठीक है, तो ये भाई कितने अच्छे स्केल पे होगा, वो साला माइनर की सेटिंग देख के पता लग गया था कि भाई क्वालिटी की कॉपी बनाई हुई है, मतलब सुपर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग, भाई पैकेजिंग स्कैम तो किया भाई, एक बार सही में मुंह से निकल गया भाई, क्या काटा है हमारा भी। सीरियल नंबर्स ऑफ द माइनर्स न्यूली बिल्ट, भाई माइनस तो वो देख के तो ना खुर्च के अपने आप में भी समझदारी लग रही है, दिख रहे भाई क्या वीडियो में देखना आप, बहुत अच्छा तो सारा क्या ही है, स्मार्टली प्लान था। फर्जी मूवी देखी होगी इन्होंने जो सीरीज है, तो गाइस होएगा बहुतों के शिपमेंट्स में निकलेगा। 2 चीजें पकड़ लो जो भी मेरे रीसेलर भाई हैं, कि एक तो डीमैग्नेटाइजेशन, भाई मैग्नेटाइजेशन क्या होती है बेसिकली ना, वो प्लेन के अंदर चढ़ाते नहीं है गुड्स, चाइना की बात कर रहा हूँ मैं, जब चाइना के कस्टम पोर्ट से निकलेगा वो चढ़ाएंगे नहीं जब तक उसकी मैग्नेटाइजेशन निकलेगी नहीं, या फिर एमिशन नहीं होगा, ग्रेडिंग होती है। ठीक है, मतलब उसमें चुंबकता ज्यादा है, चुंबकपना बोलेंगे, चुंबकपना ज्यादा है, इसका भाई $100 का एक चार्ज भी पड़ता है। आप उसी टाइम पे क्लियरेंस ब्लॉक करवा दो, ठीक है, वो चार्जेबल बन जाएगा, कस्टमेबल बन जाएगा। आप भाई को कांटेक्ट कर लो या मेरे को भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है, और मैं भी ब्रीफ कर दूंगा, और भाई जो हो पाएगा वो हम लोग करके देंगे। ठीक है, लीगल्स वगैरह भी अगर भाई हो तो फाइलिंग हो जाएगी हांगकॉन्ग वगैरह में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ एक चीज और पकड़ना भाई, जब आपको कोई भी फ्रेट फॉरवर्डिंग की, जो आपका फ्रेट फॉरवर्डर है या फिर कोरियर वाला जो बंदा है, वो जब आपको स्लिप देता है, जैसे मेरे वाले पे 252 kgs की डिक्लेरेशन थी, 252, समझ आता है, 16 × 16, ठीक है, 16, 17, 20 किलो के अराउंड की इनकी शिपमेंट होती है। मेरे में डिक्लेरेशन अलग थी, और जब मैं RMX को ट्रैक कर रहा था, ये मैंने RMX से मंगाया था, 80 kgs की दिखा रहा था, समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, मतलब फील तो हो गया था, मान नहीं रहा था, कट गया। तो ये देख लो भाई, ये दोनों चीजें, कोई भी इशू निकले भाई बिना हिचक के कांटेक्ट कर लो, शक भी हो रहा है ना किसी को भी, तो भाई कॉल कर लो, क्या पता तुम्हारा ही बच जाए, है ना। और भाई जा ही रहे हैं तो करके आ जाएंगे तुम्हारा भी काम, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जो मन करे दे देना उसका। तो ये वाला पॉइंट हो गया भाई, एंड आपका व्हाट्सएप ग्रुप किसी ने भी ज्वाइन करना हो कॉन्टेक्ट कर लो, कोई टेंशन ही नहीं है। प्लस मैं भी जाऊंगा भाई, अगर मेरी वैल्यूबल टिकट मुझे मिल जाए। ठीक है, तो भाई और क्या रह गया, आई गेस सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए मैंने। हाँ, तो वेयर हाउसिंग का हो रहा है भाई, अब फाइनली ना वी विल हैव टू हैव अ वेयर हाउस। अब भाई वेयर हाउस का मतलब ये नहीं होता कि मैं बहुत बड़ा कोई वेयर हाउस ले रहा हूँ, बहुत बड़ी बिल्डिंग है या बहुत बड़ा कोई गोडाउन है, इट्स काइंड ऑफ अ गोडाउन और स्मॉल शॉप। बिल्कुल भाई, आप छोटी दुकान ले सकते हो। इसका मतलब क्या होता है ना, मैं बताता हूँ, वहां पर ना चीजें बहुत अलग तरीके से होती हैं, हमारे यहाँ की तरह नहीं होती। जैसे हम लोग क्या करेंगे ना, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, पहले नेहरू प्लेस भागूंगा जो कि मार्केट प्लेस है ग्राफिक कार्ड के लिए, मैं सेलिंग कर रहा हूँ उसकी, तो मैं जाऊँगा खुद की स्कूटी पे, वहां पर से जाके एक ग्राफिक कार्ड उठाऊंगा, ठीक है, उसको बिल्ड कराऊंगा, फिर खुद जाऊंगा शिप रॉकेट वाले पे या फिर डेली वाले पे जाके उसको कोरियर कराऊंगा। बट वहां क्या होता है ना गाइस, रीसेलर्स का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है इंडीड भाई। लॉजिस्टिक्स वाले जितने भी एंड है वो सारे सबर्बन एरिया में पीछे, मतलब इन लोगों ने ना इस तरह से सेटिंग बना रखी है कोई भी रीसेलर है वो घर में बैठा काम करेगा, ठीक है। बड़े बड़े शिपिंग लॉजिस्टिक्स वाले सारे के सारे ना काम इन लोगों ने बहुत पोर्शन वाइज डिवाइड किए हुए हैं, तो भाई आप चेन में से पकड़ नहीं पाओगे कि कहाँ लूपहोल है, ठीक है। तो बेस्ट है अपना भैया शिपिंग लॉजिस्टिक कस्टम क्लियरेंस अपने बंदे को दे दो वहां पर, ठीक है भाई। जैसे भाई का फ्रेंड है, ठीक है, दो ही चाइनीज मिक्स है, मतलब मदर का इंडियन ओरिजिन है, तो अपनी भाषा भी समझ लेता भाई। कुल मिला के भाई बहुत महंगे होते हैं ट्रांसलेटर्स वगैरह, ठीक है, और यहाँ सारी रशियन नहीं आई आज तक, चाइनीज कहाँ सीख लेंगे साइन लैंग्वेज। तो गाइज वो बंदा है भाई, उसके साथ एक प्रॉपर CTC करके आएंगे, काउंटर पार्टी एग्रीमेंट होगा। वो हमारे लिए नहीं काम करेगा बट यस डेफिनेटली वो हमारे साथ काम करेगा, ही विल बी लायबल एंड रिस्पॉन्सिबल। नहीं तो भाई बेवकूफी है, मजाक नहीं कर रहा, मतलब मैं तो ठीक है ना हवा में झंडा लेके घूमता रहता हूँ बट इट इज नॉट स्टेबल गाइज, ओके, इट इज एक्चुअली नॉट स्टेबल। और सम थिंग्स एटलीस्ट प्राइसिंग नहीं हो रही, सप्लाई चेन आप लोग स्टेबल कर सकते एंड दैट इज ओपन फॉर ऑल, ठीक है। देखेंगे जाके वहां पर क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, बट हाँ बंदा अपना सही होगा, कुछ नहीं वो भी स्कूटी उठाएगा अपनी माइंड लेगा, ठीक है, अपना खुद लगाएगा भाई, और झटका खाने की हिम्मत नहीं है, पहली चेने कम होगी भाई साहब। तो दीज थिंग्स मैन एंड इट्स ओके, नुकसान होते रहते हैं एंड बस प्रे फॉर मी कि मेरी टिकट मिल जाए मुझे, फिर बहुत अच्छे से कंटेंट बनाएंगे। भाई विल आल्सो ट्राई टू मेक कंटेंट इफ आई एम नॉट देयर एंड डेफिनेटली गाइस मजा आएगा, एक्साइटमेंट होगी। टेक केयर यार, लिटरली ना सालों ने दिमाग लगाया है। अब ये मैग्नेटाइजेशन के अंदर फंसा क्यों था? ये चेसी है यार, चाइना के कस्टम थोड़े ना ऐसे मजाक में क्लियर हो जाएंगे, क्या भेज रहे हो, लिटरली स्कैम वाला सीन थोड़ा ना बना दोगे। एंड ब्रांड नहीं बना रखा है अंदर से, सब खत्म है। वो खुला हुआ कहाँ गया पीस, खुला हुआ पीस दियो अंदर से भाई, अंदर से भी उन्होंने निट क्लीन। दिस इज S9J भाई, ये मॉडल को 10 साल हो गए बॉस, ओके, और वेट में फंस गए, ठीक है। RMX के अंदर 252 kgs की डिक्लेरेशन थी, मैं यहाँ लगवाऊंगा, ओके, 252 kgs की डिक्लेरेशन थी और 80 kg के अंदर शिपमेंट रन कर रहा तब से, इट्स बीन मोर देन अ वीक, ओके। यार देखो इन्होंने ना इसको भी बिल्कुल चिट क्लीन, ओके। अब ये जो होता है ना सीरियल नंबर, यहाँ से तो पट्ठों ने हटा ही रखा है, यहाँ से ये वाला जो है आप इसको चाहो तो इसको स्कैन करके उसमें डाल सकते हो S9J, आप चाहो ना तो। अब ऐसे ना ये बिटमैन का प्रोडक्ट होता है, ये ऐसे नहीं उतरेगा भाई, ये सालों ने सीरियल नंबर तक भी फेक हैं। इसको डालोगे ना बिटमैन की वेबसाइट पे पता लग जाएगा। चलो वो बहुत सारी चीज़ें ट्रैक नहीं होती बट ऐसा कभी नहीं होता यार, ठीक है, मतलब इस लेवल पे इन्होंने दिमाग लगा रखा है। और भाई ये प्रोडक्ट ना 10 साल पुराना है, तो डेफिनेटली इन्होंने इसको प्रॉपरली क्लीन किया है, मेहनत करी है, जुगाड़ बनाया सालों ने, ठीक है। और डेफिनेटली ये नहीं चल रहा है, हाँ। एंड अब देखो यार, ये बहुत सस्ती चीज़ें होती हैं, ये $22 का आता है, ये $4 का है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ना इन्होंने तैयार कर लिया होगा, क्या $25 में हो गया होगा इनका लेवल पे तैयार। तो ये इतनी मेहनत चीनी आदमी ना छोटे लेवल पे नहीं करता, तो ये बहुतों के साथ होने वाला गाइस। और गाइस ये डब्बा भी देख लो, ये डब्बे की ना क्वालिटी से पता लग जाता है कि ये डब्बा प्रिंटेड नहीं है, डब्बा भी साला पुराना है। मैंने लिटरली ना पील ऑफ करेगी भाई, मैं नीचे से डब्बा देखूँ उसको ना पता लग जाता है कि चाइनीज़ डब्बा है, ठीक है। ये वाली जो प्लाई होती है ना इससे पता लग जाता है ब्रो, एंड डेफिनेटली वहीं से आपको इंडिकेशन मिल जाती है। टेप बहुत इजी है मैनेज करना। एंड गाइस और क्या बताएं आपको, ये भी स्कैन करके देख लिया, ठीक है। अब ज़्यादा ना मिट्टी इकट्ठी करके उनमें डंडा बजा के उसमें तूफान खड़ा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नुकसान है, हो गया हो गया, ओके, सिंपल। चलो हांगकॉन्ग चलते हैं हम सारे के सारे, ठीक है। एंड गाइज टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द पीपल एंड कुडोश, टेक केयर।